बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम अकरम और आज हम कंपाइल कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है SLR वन पार्सर, जो कि सब टाइप है LR पार्सर्स की। तो आपको याद होगा हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, हमने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया था, नहीं किया था जी? नहीं किया था। देखिए, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं और चेक करिए कि ये LR पार्सर से सॉल्व होते हैं या नहीं होते। तो आज मैं आपको LR पार्सर की उस असाइनमेंट का सलूशन दूंगा और आप उसको अपनी असाइनमेंट के साथ टैली करिए और ईमानदारी से अपने मार्क्स लगाइए। आउट ऑफ 10 आप मार्क्स लगा सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे SLR वन पार्सर। तो दोस्तों, LR जीरो पार्सर की उस असाइनमेंट को देखते हैं। जी हाँ, हमारे पास पहला क्वेश्चन है S drives L equal R, S drives R, L drives steric R, L drives ID और R drives L। हैं जी, ये हमारे पास एक ग्रामर थी। तो LR पार्सर्स में LR जीरो के लिए चेक करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैनोनिकल कलेक्शन बनानी पड़ेगी और हमें एक जीरो स्टेट बनानी है। हमारी इनिशियल स्टेट में हमें रूट नोड को आइटम बनाना पड़ेगा और अगर आइटम जो नॉन टर्मिनल बनेगा उसका क्लोजर बनाएंगे। क्लोजर का मतलब उस नॉन टर्मिनल की सारी प्रिडिक्शंस जो ओरिजिनल ग्रामर में मौजूद हैं हम उनको लिखेंगे। तो जीरो स्टेट से स्टार्ट करते हैं। जीरो स्टेट में आप देखिए हमारे पास है रूट नोड एस और उसको हमने आइटम बनाने के लिए एक और नॉन टर्मिनल लिया जिसका नाम है एस डैश। तो हमने लिखा एस डैश, चेक करिए जरा, हमारे पास है एस डैश ड्राइव्स डॉट एस। तो डॉट क्या हुआ हमारे पास, एक नॉन टर्मिनल है और रूट नोड है तो इसको हमें क्लोजर लिखना पड़ेगा। इसका क्लोजर क्या है, ओरिजिनल ग्रामर में देखिए एस ड्राइव्स एल इक्वल आर और एस ड्राइव्स आर दो प्रोडक्शंस हैं एस की, तो हमें दोनों लिखनी पड़ेंगी, एस ड्राइव्स आर और एल ड्राइव्स एस ड्राइव्स एल इक्वल आर, दो प्रोडक्शंस हमने लिखी। तो जब हमने रूट नोड को आइटम बनाया तो साथ में हम इन नो जो दो न्यू आने वाली प्रोडक्शंस हैं इनको भी आइटम बनाने पड़ेगा। तो इनको आइटम बनाना, हमने शुरू में डॉट लगाया तो ये प्रोडक्शन आइटम बन गई। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, ये आर एक आइटम बन गई। क्लियर हो गया? तो मजीद देखिए, जिस तरह से एस की प्रोडक्शंस लिखी क्योंकि डॉट के बाद एस है और उस एक नॉन टर्मिनल है और उसकी प्रोडक्शंस लिखी, इसी तरह से यहां देखिए डॉट के बाद एल है तो ये भी एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल को हम इसकी प्रोडक्शंस भी लिखेंगे। तो इसकी दो प्रोडक्शंस हैं, एल ड्राइव स्टेरिक कार और एल ड्राइव आईडी, इसको भी हमने आइटम बना दिया। क्लियर हो गया? अब एल की बारी भी खत्म हो गई, अब डॉट के बाद क्या है स्टेरिक, तो हमें स्टेरिक के भी क्लोजर लेना पड़ेगा क्योंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है। क्लियर? तो आर की प्रोडक्शन देखिए ओरिजिनल ग्रामर में कितनी है, जस्ट वन है और इसको हमने लिखा आर ड्राइव्स एल। क्लियर? अब ये इन दोनों की बारी, डॉट के बाद स्टेरिक एक टर्मिनल है तो कोई क्लोजर नहीं, डॉट के बाद एक टर्मिनल है तो कोई क्लोजर नहीं, जबकि डॉट के बाद एक एल है और ये एल क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। तो अगर हम इसको लिखें तो दोबारा से क्या आएगा, ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन। तो जीरो स्टेट पे ये एक स्टेरिक के जरिए शिफ्ट करेगा, ये भी स्टेरिक के जरिए शिफ्ट करेगा, तो हमें एक ही सिंबल लिखना चाहिए क्योंकि शिफ्ट शिफ्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं, हमें इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर हमें ये कोई डिफरेंट प्रोडक्शन दे रहा होता तो हम देखते वो डिफरेंट प्रोडक्शन कब आएगी, वो भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अब इस एल के बाद क्योंकि ये एल हमारे पास एक प्रोडक्शन दे चुका
क्योंकि एल ड्राइव स्टेरिक कार और एल ड्राइव आईडी है, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्यों? क्योंकि जब हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो सेम प्रोडक्शन सेम सिंबल के जरिए मूव करेगा, तो शिफ्ट शिफ्ट होगा, हमें जरूरत नहीं है इसकी करने की, क्योंकि एक ही सेम प्रोडक्शन मूव करेगी। तो आप वन टाइम लिख लिया करें, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एल आर जीरो के सेंस में, जब आप एल आर जीरो के क्वेश्चन करें तब। चलिए इस ड्राइव से हम टॉप से शुरू होते हैं, पहली प्रोडक्शन हमारे पास है एस ड्राइव डॉट एस, तो इस डॉट के बाद आने वाले सिंबल को हम मूव करते हैं। तो देखिए इस पूरी प्रोडक्शन में डॉट के बाद एस वाली एक ही प्रोडक्शन है, तो इसको मूव किया तो हमारे पास एक न्यू स्टेट बनी जिसको हमने कहा एस वन, और इसमें हमने लिखा एस डैश ड्राइव एस डॉट, क्योंकि एक सिंबल रीड हुआ और डॉट की पोजिशन चेंज होगी। अब हमारे पास देखिए जीरो स्टेट पे, यहां जीरो स्टेट पे देखिए हमारे पास दूसरी प्रोडक्शन के में डॉट के बाद एल है, तो इसको मूव करने से पहले आप ये देखिए कि कोई और प्रोडक्शन है जो एल के साथ मूव कर रही हो। हाँ जी, आर ड्राइव्स के बाद डॉट एल है, तो डॉट एल एक ये प्रोडक्शन और एक ये प्रोडक्शन। तो आपको याद होगा मैंने कहा कि जब सेम आउटगोइंग एज हो तो हम, जब सेम सिंबल हो तो हम एक ही आउटगोइंग एज से मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा भाई साहब? हाँ जी, हम इसको मूव करते हैं, तो एल के साथ जब मूव किया तो दोनों प्रोडक्शन मूव की, तो क्या आया? एस ड्राइव्स एल डॉट इक्वल आर, क्योंकि एस ड्राइव्स डॉट एल इक्वल आर था। यहां पे देखिए एस ड्राइव्स डॉट एल इक्वल आर, तो डॉट के बाद एल था, तो एल के साथ जब मूव किया तो डॉट एल के बाद आ गया। सिमिलरली यहां पे आर ड्राइव्स डॉट एल था, तो आर ड्राइव्स एल डॉट आर। तो चेक करिए यहां एक इक्वल है, मतलब इक्वल के जरिए नेक्स्ट कहीं शिफ्ट होगा। हाँ जी, शिफ्ट होगा, तो मतलब टू में, टू स्टेट में इक्वल के नीचे शिफ्ट आएगा और वो उस स्टेट का नंबर जहां मूव करेगा। इसी तरह से आर ड्राइव्स एल डॉट है, तो ये कोई रिडक्शन है, तो रिडक्शन नंबर काउंट करिए। यहां पे देखिए ओरिजिनल ग्रामर में हम देखते हैं ये एस ड्राइव्स एल इक्वल आर, एस ड्राइव्स आर, एल ड्राइव्स स्टेरिक आर, वन टू थ्री फोर फाइव, ये रिड्यूस नंबर फाइव है। तो टू में एल आर जीरो जब कर रहे थे तो तमाम सिंबल के नीचे हम रिड्यूस नंबर फाइव लिख देंगे, तो इसका मतलब जब इक्वल के नीचे आएगा तो वहां पे शिफ्ट भी लिखा आएगा और यहां पे रिडक्शन नंबर भी लिखा आएगा। तो क्या वजह बनेगी, क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा। चलो इसको याद रखिएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये शिफ्ट भी इक्वल के नीचे हो रहा है और इक्वल के नीचे ही रिड्यूस हो रहा है। तो इसी तरह से बाकी को मूव करिए, एस ड्राइव्स आर डॉट हो जाएगा, आर के साथ मूव कर रहा है, थर्ड प्रोडक्शन में, फोर्थ प्रोडक्शन में स्टेरिक के साथ मूव कर रहा है, स्टेरिक आर, तो जब आर एक नॉन टर्मिनल है, डॉट के बाद आर एक नॉन टर्मिनल है, यहां देखिए डॉट यहां मूव किया, जब स्टेरिक के साथ मूव किया तो डॉट के बाद आर है, यहां से इस प्रोडक्शन को हमने मूव किया था, तो यहां पे क्या है, डॉट के बाद आर, तो आर की प्रोडक्शन लिखेंगे, आर की प्रोडक्शन क्या है भाई साहब? आर ड्राइव्स डॉट एल, तो यहां पे डॉट एल आ जाएगा, क्योंकि आर की प्रोडक्शन, तो जब डॉट के बाद एल आएगा तो एल को भी दोनों प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे, तो ये भी आ गया हमारे पास, हमने इसको लिखा। इसी तरह से आईडी को भी किया, तो ये आ गया एल ड्राइव्स आईडी। हैं जी, एल के साथ हम पहले ही मूव कर चुके थे जो लास्ट प्रोडक्शन है, तो कहां पे कॉन्फ्लिक्ट आया? हैं जी, एस ड्राइव्स एल डॉट इक्वल आर और आर ड्राइव्स एल डॉट। तो दोस्तों यहां पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया और वो कॉन्फ्लिक्ट ने हमें रोक दिया, हमारे लिए आसानी हो गई, हम आगे मूव नहीं करेंगे, हमने कहा रुक जाओ बस काफी है, जब यहीं पे गलती है, जब आगाज ही बुरा है तो अंजाम बिल्कुल बुरा होगा, हमें आगे मूव नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एस ड्राइव्स आई डी, एस ड्राइव्स वी इक्वल ई, वी ड्राइव्स आई डी, ई ड्राइव्स वी और ई ड्राइव्स एन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ
ग्रामर्स हैं, रिडक्शन नंबर वन, रिडक्शन नंबर टू, रिडक्शन नंबर थ्री, फोर एंड फाइव, ये एरो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चले तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जीरो स्टेट ऑगमेंटेड ग्रामर में क्या है, सबसे पहली प्रोडक्शन रूट नोड क्या है हमारे पास, एस, सही भाई साहब। तो एस को हमने क्या किया, आइटम बनाना पड़ेगा, तो ऑगमेंटेड ग्रामर ली, ऑगमेंटेड ग्रामर में हमारे पास क्या है, एस ड्रैश ड्राइव डॉट एस, तो एस की प्रोडक्शन दो हैं, ये और ये, तो ये दोनों लिखी हमने, तो यहां पे इसको भी आइटम बनाया, तो ये डॉट के बाद एक टर्मिनल है, तो ये आगे मूव नहीं करेगा, ये डॉट के बाद वी एक नॉन टर्मिनल है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका क्लोजर लिखना पड़ेगा, तो इसका क्लोजर क्या आएगा, वी की प्रोडक्शन देखिए, वी ड्राइव्स आईडी, तो वी ड्राइव्स आईडी लिख दिए। मजीद कोई क्लोजर आ रहा है, कोई नॉन टर्मिनल आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब हमारी जीरो स्टेट कंप्लीट हो गए। अभी ई ड्राइव्स वी और ई ड्राइव्स एन, जब कहीं इनका हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनको लिखेंगे। चलिए मूव करते हैं, हमारे पास एस की कोई एक ही प्रोडक्शन है, डॉट के बाद एस सिर्फ एक प्रोडक्शन में है, तो एस के साथ जब मूव किया तो क्या आया, एस डैश ड्राइव्स एस डॉट, क्लियर। उसके बाद देखिए है, एस ड्राइव्स आईडी के साथ मूव कर रहे हैं, तो कितनी प्रोडक्शंस हैं, दो प्रोडक्शंस हैं, एस ड्राइव्स डॉट आईडी एंड वी ड्राइव्स डॉट आईडी, तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, स्टेट नंबर टू पे जाएंगे, एस ड्राइव्स आईडी डॉट और वी ड्राइव्स आईडी डॉट बन जाएगा, एक डॉट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्लियर। क्या समझ में आता है, कोई एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको हम रिड्यूस रिड्यूस कह रहे थे, कि मतलब स्टेट नंबर टू पे जब हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जिसमें एक्शन होगा, एक गो टू होगा, स्टेट नंबर होंगे, तो तमाम टर्मिनल में स्टेट नंबर टू के नीचे रिड्यूस नंबर कौन सा आएगा, एस ड्राइव आईडी अगर हम इसको रिड्यूस नंबर वन कहें और वी ड्राइव आईडी को रिड्यूस नंबर थ्री कहें, तो क्या आएगा, तमाम सिंबल के नीचे रिड्यूस नंबर वन भी आ रहा होगा और रिड्यूस नंबर थ्री भी आ रहा होगा, कहां पे, स्टेट नंबर टू में, जब हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। याद करिए, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे पिछले लेक्चर को सुनिए और वहां देखिए कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बन रहा है, और वहां से बल्कि कुछ मिस्टेक्स भी हैं वो भी फाइंड करिए, क्या मिस्टेक हैं वो आप उन्हें सॉर्ट आउट करिए, ठीक है, क्लास डिस्कशन में हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वी के जरिए मूव कर रहा है, तो वी के जरिए मूव किया तो एस ड्राइव्स वी डॉट इक्वल ई हो जाएगा, ऐसा है, और फोर्थ प्रोडक्शन को हम ऑलरेडी आईडी के साथ यूज कर चुके हैं, तो कहां एरर आया, अभी हम आगे मूव नहीं करते हैं, हमें जब पहली ही स्टेट मूव की, आगाज बुरा हुआ अंजाम पे नहीं जाते, ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो क्या कंफ्लिक्ट आया, जी हां, यहां पे कंफ्लिक्ट आया कि कोई रिड्यूस रिड्यूस कंफ्लिक्ट है, क्लियर हो गया, यहां पे ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, यहां पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको हम सही कर लेते हैं, क्लियर हो गया भाई साहब, तो इसको हम तो ये रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि अभी आगे मूव नहीं करते, वो अगर कहीं आता भी आगे कहीं जाके आते हैं तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट यहीं पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब एक दफा कॉन्फ्लिक्ट मिल गया तो आगे मूव करने की भी जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असाइनमेंट नंबर थ्री का क्वेश्चन है, एस ड्राइव्स एक्स एक्स, एक्स ड्राइव्स ए एक्स, एक्स ड्राइव्स बी, याद आया, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर थ्री था, तो सिमिलरली एल आर जीरो में जैसे हम कर रहे थे, जीरो स्टेट बनाएंगे और इस जीरो स्टेट में एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे और उसमें हमारे पास जो रूट नोड है उसको हम जीरो आइटम बनाएंगे, और जीरो आइटम कैसे बनेगा, उसके शुरू में डॉट लगा देंगे, तो रूट नोड को आइटम कैसे बनाया, एस डैश ड्राइव्स डॉट एस, हां जी, एस डैश ड्राइव्स डॉट एस, और एस
जब एक नॉन टर्मिनल है, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो हम इसका क्लोजर लिखेंगे, तो एस की तमाम प्रोडक्शन ओरिजिनल ग्रामर से लेंगे, और ये है हमारे पास एक ओरिजिनल ग्रामर जिसमें एस की प्रोडक्शन है एक्स एक्स, तो हमने यहां पे लिखा एस ड्राइव्स एक्स एक्स, ठीक है। तो जब इसको भी आइटम बनाएंगे तो डॉट के बाद एक्स एक नॉन टर्मिनल है, तो एक्स की दोनों प्रोडक्शन लिखेंगे, तो हमने दोनों प्रोडक्शन यहां पर लिख ली, एक्स ड्राइव्स ए एक्स, एक्स ड्राइव्स बी, हैं जी, हां जी। तो ये हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चलते हैं, अब जीरो स्टेट कंप्लीट है, क्लोजर सारे मुकम्मल हैं, कोई नॉन टर्मिनल मजीद नहीं रह गया, तो हम टॉप से शुरू करते हैं, और यहां से ये टॉप है हमारा, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो इसको हम इस तरह से तरतीब से चलते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, एस, एस से जब मूव किया तो क्या प्रोडक्शन बनेगी, एस डैश ड्राइव्स एस डॉट, और स्टेट नंबर वन जो कि एक्सेप्ट स्टेट है, क्योंकि ऑगमेंटेड ग्रामर्स के सिंबल जो हैं जब हम मूव करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा जी, वो एक्सेप्ट स्टेट होगा। अब दूसरी प्रोडक्शन जीरो से कौन सी निकल रही है, वो है एस ड्राइव्स एक्स एक्स, और एक्स से पहले डॉट है, तो हम यहां से मूव करते हैं, ये हमारे पास डॉट के बाद एक्स है, तो इस एक्स को और एक्स है नहीं है, जस्ट इस एक्स को मूव करेंगे तो क्या आएगा, हैं जी, एस ड्राइव्स एक्स डॉट एक्स, एक पोजीशन बदल जाएगी डॉट की, तो डॉट के बाद अब क्या आ रहा है, एक्स, ठीक है। तो जब अब डॉट के बाद सेकेंड एक्स जो है वो एक नॉन टर्मिनल है, यहां से देखिए कि ये एक्स मूव कर लिया तो यहां डॉट आ गया, तो अब इस डॉट के बाद फिर से एक नॉन टर्मिनल है, तो इसका क्लोजर लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, ओरिजिनल ग्रामर में देखिए क्या है, एक्स ड्राइव्स ए एक्स, एक्स ड्राइव्स बी, तो दोनों को लिखा और उनके शुरू में डॉट लगा दिया, एक नए सिरे से कहानी शुरू हो जाती। और अब यहां देखिए जीरो स्टेट पे अब ए की बारी है, तो ए के जरिए फिर बी के जरिए मूव करेंगे, तो ए के जरिए जब मूव किया तो क्या आया, एक्स ड्राइव्स ए डॉट एक्स, तो डॉट के बाद एक्स, तो एक्स क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल के भी हम क्लोजर लिखेंगे, और उसका क्लोजर का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल ग्रामर में जो प्रोडक्शंस मौजूद हैं वो सारी की सारी लिखेंगे, वो सारी की सारी कौन सी हैं, एक्स ड्राइव्स ए एक्स और एक्स ड्राइव्स बी, और उन दोनों के स्टार्ट में क्या आएगा, डॉट, उनको भी आइटम बनाएंगे। जीरो स्टेट से बी की बारी है, बी से मूव किया तो आया एक्स ड्राइव्स बी डॉट, और ये हमारा रिड्यूस हो गया, सारे सिंबल्स रीड हो गए, मजीद कोई सिंबल बाकी नहीं है। चलिए अब वन से स्टार्ट करते हैं, वन चूंकि एक्सेप्ट है तो वो तो अब मजीद मूव नहीं करेगा क्योंकि डॉट आखिर में पहुंच गया, अगर आप डॉलर के साथ मूव करते तो आप नेक्स्ट चले जाते, एक न्यू स्टेट बनती, वो आपकी एक्सेप्ट स्टेट हो जाती, अभी आपने डॉलर को यूज नहीं किया तो आप जस्ट इसी को एक्सेप्ट बनाइए। स्टेट नंबर टू से पहली प्रोडक्शन डॉट के बाद एक्स है, एक्स के साथ मूव करेंगे तो क्या आएगा, एस ड्राइव्स एक्स एक्स डॉट, एक्स ड्राइव्स एक्स एक्स डॉट, जी सही हो गया भाई साहब, तो एक्स ड्राइव्स एक्स एक्स डॉट में देखिए ये रिड्यूस है क्योंकि सारे सिंबल्स रीड हो गए। नेक्स्ट ए की बारी है, एक्स ड्राइव्स डॉट ए एक्स, यहां देखिए एक्स ड्राइव डॉट ए एक्स, इसका मतलब ए के जरिए मूव करेंगे तो क्या ए डॉट एक्स बनेगा, अगर हम इसको ए के जरिए मूव करें तो ए डॉट एक्स और फिर एक्स का सारा क्लोजर, तो क्या ये एस थ्री में मौजूद है, हैं जी थ्री में मौजूद है, तो ए के जरिए हमने मूव किया तो कहां पहुंचा, एस थ्री पे, हां जी। और दूसरा कौन सा है जनाब, बी के जरिए अगर हम इसको मूव करें, इसको हम बी के जरिए मूव करें तो कहां जा सकता है, एस फोर पे, एक्स ड्राइव्स बी डॉट, तो यह यहां से भी मूव कर जाएगा, यहां पे लेबल लगा लीजिए, मैंने लगा लिया लेकिन एनिमेशन में शायद कोई मिस्टेक है, वो दोबारा से आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर बी का लेबल लगाइए, कहां पे, यहां पे, यहां पे लेबल लगाइए, सही हो गया, और ये यहां पे क्या आएगा, एक्स ड्राइव्स बी डॉट बन जाएगा, तो इसका मतलब ये स्टेट कंप्लीट होगी सारी प्रोडक्शन। अब इसकी बारी, एक्स ड्राइव्स ए डॉट एक्स, मतलब एक्स के साथ मूव करेगा तो क्या बनेगा, एक्स ड्राइव्स ए एक्स डॉट, और इसको हमने स्टेट नंबर सिक्स दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास
एक्स ड्राइव डॉट ए एक्स, तो आप देखें ए के जरिए मूव कर रहा है, ये जो प्रोडक्शन है एक्स ड्राइव डॉट ए एक्स, तो डॉट के बाद ए है, इसका मतलब ए के जरिए मूव करेगा तो क्या होगा, डॉट की पोजीशन चेंज होके ए डॉट एक्स हो जाएगा और फिर एक्स का क्लोजर। तो क्या यहीं पे लूप लग सकता है? हां जी, तो फिर से ये आप लूप लगा देंगे और बी के जरिए मूव करेंगे तो कहां जाएगा, एक्स ड्राइव बी डॉट, और वो कहां जा रहा है, एस फोर पे। इसको आप चेक भी कर लीजिए, ये आपके पास ट्रांजिशन टेबल है, इसमें आपने इन सारी मोमेंट को, मसलन ये जीरो से कैपिटल एस के जरिए वन, जीरो से कैपिटल एस के जरिए वन, वन पे एक्सेप्ट डॉलर के नीचे लिखेंगे, इसी तरह से जीरो से कैपिटल एक्स के जरिए टू, हां जी, और इसी तरह से स्मॉल ए के जरिए शिफ्ट थ्री, इसी तरह से स्मॉल बी के जरिए शिफ्ट फोर, इसी तरह से बाकी सारा ट्रांजिशन टेबल बनता जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आपका कैनोनिकल कलेक्शन भी कंप्लीट हो गई, ट्रांजिशन टेबल भी यहां पे बन गया, अब यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, इसका मतलब आपका ये सेंटेक्स ठीक है। तो सेंटेक्स मतलब आपका चेक हो सकता है इस ग्रामर के जरिए। तो अब आप इनपुट लेंगे वो जो इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो सकते हैं, लाइक ए बी से रेलेवेंट कुछ ग्राम, कुछ इनपुट स्ट्रिंग्स आ सकती हैं ए बी से मुतालिक, वो आप इस ग्रामर से कोई ड्राइव करिए और उस इनपुट को देखिए और उसको फिर आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन टेबल के जरिए चेक करें और उसको पार्स करें और उसको फिर मजीद आप ट्री बनाइए। तो ये था दोस्तों हमारा वो असाइनमेंट जो हमने चेक की कि क्या वो एला जीरो पार्सर से सॉल्व होती हैं या नहीं होती। तो ये कुछ तीन क्वेश्चन थे, आप टैली जरूर करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसका नाम है SLR1। हां जी, SLR1 में दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये LR पार्सर की एक सब टाइप है। याद रखिए कि SLR1 और LR0 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, वैसे ही हमारे पास एक ग्रामर होगी, वैसे ही हमारे पास कैनोनिकल कलेक्शन बनेगी, ऑगमेंटेड ग्रामर बनेगी, जीरो आइटम बनेंगे, ठीक है, हम आइटम बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रांजिशन टेबल भी वैसे ही बनेगा, स्टैक टेबल भी वैसे ही बनेगा और फिर आपकी ट्री बन जाएगी। वही सारे प्रोसेसेस हैं जो आपने LR जीरो में किया, फर्क क्या है SLR1 क्यों? तो दोस्तों जब ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं और आप कैनोनिकल कलेक्शन से आप कोई रिड्यूस वाली स्टेट को लेते हैं तो आप क्या करते हैं, वो रिड्यूस नंबर तमाम टर्मिनल के नीचे लिखते हैं। जैसे आपने कहा कि एस ड्राइव्स बी है या एक्स ड्राइव्स बी डॉट है और उसके बाद मजीद कोई सिंबल नहीं है तो एक रिडक्शन है, तो आप टू स्टेट पे खड़े हुए हैं तो टू स्टेट पे तमाम सिंबल्स के नीचे आप रिड्यूस नंबर लिखेंगे जो कि एक्स ड्राइव्स बी डॉट वाला है, ठीक हो गया। लेकिन आप यहां नहीं करेंगे, SLR1 में क्या करेंगे कि हमारे पास एक ओरिजिनल ग्रामर जो होगी उसके रूट नोड के पेरेंट नोड के हर एक प्रोडक्शन के पेरेंट नोड के फॉलो निकाल लेंगे और जो रिड्यूस नंबर होगा वो हम उन फॉलो के नीचे लिखेंगे ब्लाइंडली LR0 में, जैसे कर रहे थे कि सबके नीचे हम रिड्यूस नंबर लिख रहे थे, अब यहां नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ उन फॉलो के नीचे लिखेंगे जो कि उसके पेरेंट नोड के होंगे। नहीं समझ आई? हां जी नहीं आई, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे उसको देखेंगे कि कैसे। याद करें हमने LR0 से ये वाला क्वेश्चन किया था जिसको हम कह रहे थे ई ड्राइव टी प्लस ई और टी और टी ड्राइव आई, तो ये LR0 से सॉल्व नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, ऐसे ही है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये SLR1 से सॉल्व होता है कि नहीं होता, मतलब हम LR0 के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसका नाम है SLR1।
सही हो गया SLR 1। तो SLR 1 में हमने कहा कि सबसे पहले क्या करो, इसके हर एक प्रोडक्शन के पेरेंट नोड के फॉलो निकालो। तो देखिए ई का फॉलो क्या है हमारे पास, याद करिए हमने शुरू शुरू में कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि हमारे हर एक टॉपिक पिछले टॉपिक्स पे डिपेंड कर रहा होगा। तो अब ये देखिए कि हमारे पास वही फर्स्ट फॉलो के कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट फॉलो के कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट कैसे निकालते थे, फॉलो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ई का फॉलो देखिए कहां है, ई का फॉलो यहां पे है। देखिए ई का फॉलो में क्या है, कुछ नहीं। तो जब ई के फॉलो में कुछ नहीं, ये तो दूसरी प्रोडक्शन है, ई की प्रोडक्शन है ई ड्राइव्स टी प्लस ई। तो ई के फॉलो हम ये कहते हैं कि राइट साइड में देखते हैं कि राइट साइड में जो सिंबल्स हैं उनको देखें, ई ड्राइव्स टी प्लस ई। तो ये ई यहां मौजूद है, तो ई के फॉलो में क्या है, कुछ नहीं है। ई के फॉलो में कुछ नहीं है, तो भाई साहब हम ये देखेंगे कि इसको बैक ट्रैक करेंगे और हम उसके पेरेंट नोड के फॉलो दे देंगे। लेकिन अभी तो हमने निकाले नहीं है, तो आपको याद होगा कि मैंने कहा कि ई हमारा पेरेंट नोड रूट नोड है, तो रूट नोड पे जाके एक्सेप्ट होगा तमाम इनपुट स्ट्रिंग्स। तो रूट नोड जहां सब एक्सेप्ट होंगे, तो वहां पे हम एक सिंबल यूज करते हैं जो कि एक्सेप्ट को शो करता है, टर्मिनेटर को शो करता है, और वो क्या था, डॉलर था। तो ई का फॉलो जो रूट नोड में है वो डॉलर है। सबसे पहला काम कि ई का फॉलो जो रूट नोड का फॉलो है वो क्या होता है, डॉलर, क्योंकि सारी स्ट्रिंग्स वहां पे एक्सेप्ट होती हैं। ठीक हो गया, तो ई का फॉलो क्या है, डॉलर। सिमिलरली अब हम देखें और ई कहीं मौजूद है, जी नहीं, और कहीं मौजूद नहीं है ई के फॉलो। ई के फॉलो मतलब वही फॉलो जो उसके पास पहले मौजूद है। ठीक हो गया, अब टी की बारी आ गई। तो टी हमारे पास दो प्रोडक्शन में है, एक यहां और एक यहां। तो टी के फॉलो में क्या है, मतलब फॉलो में उसके नेक्स्ट कमिंग लेटर कौन सा है, तो टी के फॉलो में क्या है, प्लस, हां जी। और दूसरा क्या है, टी के फॉलो में कुछ नहीं है, हां जी कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे और ई के फॉलो उसकी पेरेंट नोड, इसका पेरेंट कौन है, ई ड्राइव्स टी है, तो इस टी के फॉलो ई के फॉलो। तो टी के फॉलो वही होंगे जो ई के फॉलो होंगे। तो ई के फॉलो, अब इसको टी के फॉलो कौन कौन से मिले, प्लस और एक डॉलर। तो देखिए क्या आया, हां जी प्लस और डॉलर, क्लियर हो गया। तो अब हम अपना पहला स्टेप क्या, ऑगमेंटेड ग्रामर और फिर रूट नोड और रूट नोड का क्लोजर और हम क्या करेंगे जनाब, जो जो नॉन टर्मिनल आ रहे हैं उनका क्लोजर और एक जीरो स्टेट बना देंगे। तो ये देखिए पर्पस क्या है कि हमने रूट नोड को क्लोजर बनाया, डॉट ई आया। तो ई का क्लोजर क्या है, ई ड्राइव्स डॉट टी प्लस ई और टी। तो देखिए यहां डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो इसका मतलब टी की प्रोडक्शन। तो टी की प्रोडक्शन क्या है, टी ड्राइव्स आई। तो इसको भी हमने क्या किया, इसको भी आइटम बनाया। तो टी ड्राइव्स क्या है भाई साहब, डॉट आई। तो इस टी को जब देखेंगे तो इसके यही मिलेगा, तो दोबारा लाने की जरूरत अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और फॉलो नहीं आ रहा कि हम इसको मजीद एक्सपेंड करें तो हमारे पास कोई फॉलो डिफरेंट आ जाए। वो कैसे, वो हम कोई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये जीरो स्टेट कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों यहां देखिए ई है, ई के जरिए मूव किया, तो क्या आया, ई डैश ड्राइव ई डॉट, ठीक। और सिमिलरली यहां देखिए टी से मूव किया, तो दो प्रोडक्शंस मूव हो रही हैं, क्या आएगा, ई ड्राइव्स टी डॉट प्लस ई, क्योंकि अब टी से पहले डॉट था जीरो स्टेट में, तो बाद में चला जाएगा, तो टी डॉट प्लस ई और ई ड्राइव्स टी डॉट। तो आपको याद होगा कि स्टेट नंबर टू पे देखिए प्लस के नीचे शिफ्ट है, मतलब स्टेट नंबर टू जब ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे तो स्टेट नंबर टू में क्या करेंगे, स्टेट नंबर टू में क्या करेंगे जनाब, हां जी हम क्या करेंगे, स्टेट नंबर टू के सामने प्लस, प्लस के नीचे हम लिखेंगे शिफ्ट और किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे। और इसी तरह से ई ड्राइव्स टी डॉट एक रिड्यूस है, और रिड्यूस नंबर कौन सा है जनाब, रिड्यूस नंबर टू है। तो रिड्यूस नंबर टू को हमने क्या किया जनाब, कहां लिखेंगे, अब हम रिड्यूस तमाम सिंबल के नीचे नहीं लिखेंगे, मतलब प्लस और आई के नीचे नहीं लिखेंगे,
या डॉलर प्लस आई और डॉलर के नीचे नहीं लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे, देखिए यहां पे है ये रिड्यूस हो रहा है तो प्लस के नीचे शिफ्ट आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा प्लस के जरिए, स्टेट नंबर टू प्लस के नीचे शिफ्ट और ये रिड्यूस कहां आएगा, देखिए इसके पेरेंट नोड, इसका पेरेंट नोड कौन है ई, तो ई के फॉलो के नीचे, ई का फॉलो कौन है, देखिए क्या है डॉलर, मतलब डॉलर के नीचे रिड्यूस नंबर टू आ जाएगा और प्लस के नीचे शिफ्ट आएगा, तो अब कोई कंफ्लिक्ट आया नहीं आया, सही है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था प्लस के नीचे शिफ्ट भी आ रहा था और रिड्यूस भी, क्योंकि हम ब्लाइंडली सारे सिंबल्स के नीचे अल्लाह जीरो में तमाम सिंबल के नीचे रिड्यूस नंबर लिख रहे थे, तो आई के साथ मूव किया तो टी ड्राइव्स आई डॉट हो गया। अब यहां देखिए प्लस के जरिए शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो यहां ई ड्राइव्स टी प्लस डॉट ई, तो इसका मतलब ई की सारी प्रोडक्शंस भी लिखेंगे, ई ड्राइव्स डॉट टी प्लस ई और फिर टी की भी प्रोडक्शंस वही जो शुरू में हमने लिखी थी, तो इसका क्लोजर भी, तो यहां से अब टी की बारी आई तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये वाला बात जो है इसकी बात कर रहे हैं कि ये तो ई, ये प्लस के जरिए मूव किया तो प्लस से आगे डॉट आ गया और इसकी बात बात की तो हमने क्या है टी डॉट प्लस ई, तो टी डॉट प्लस ई और इसको करें तो टी डॉट, इसका मतलब यहां से लूप लगा सकते हैं, हां जी लूप लगा सकते हैं, तो यहां पे आ गया हमारे पास ई ड्राइव्स टी डॉट। इसी तरह से यहां आई है तो आई के जरिए मूव करेंगे तो कहां आएगा जनाब, हां जी एस थ्री पे आएगा। अब हमारे पास कौन सी स्टेट रहेगी, स्टेट नंबर फोर से कैपिटल ई, कैपिटल ई के जरिए मूव किया तो क्या आया ई ड्राइव्स टी प्लस ई डॉट, ये भी रिड्यूस हो गया, तो ये रिड्यूस नंबर कहां आएगा, मैंने क्या कहा था कि ये रिड्यूस नंबर आप देखें यहां, तो ये रिड्यूस नंबर कहां आएगा, ये आएगा ई के फॉलो में, तो ये रिड्यूस नंबर कौन सा है टी प्लस ई रिड्यूस नंबर वन, और ये रिड्यूस नंबर वन कहां आएगा ई के फॉलो, और ई के फॉलो कौन है डॉलर, सिर्फ डॉलर के नीचे आएगा रिड्यूस नंबर वन, ये है इसका ट्रांजिशन टेबल। यहां चेक करिए हम स्टेट नंबर टू को चेक कर लेते हैं, स्टेट नंबर टू में देखिए कि प्लस के जरिए शिफ्ट फोर और ये रिड्यूस नंबर किसके नीचे आ रहा है जनाब डॉलर के नीचे, तो वही क्वेश्चन नाजरीन, वही क्वेश्चन जो एलआर जीरो से सॉल्व नहीं हो रहा था वो अब सॉल्व हो रहा है किसके जरिए एसएलआर वन के जरिए। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन जिसको हमने कहा कि वो तमाम क्वेश्चन जो एलआर जीरो से नहीं सॉल्व हो रहे थे उसको किसी और स्ट्रेटेजी के जरिए सॉल्व किया जाए, किसी और टेक्निक के जरिए। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक थे जिसको हमने कहा एसएलआर वन और उसके जरिए ये सॉल्व हो गया। मजीद क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।